सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मई में अब इसकी सुनवाई होगी। तो हिमाचल में ड्रामा होने के बाद जब इन विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसके बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे की गुहार लगाई। उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगाने से तो कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा है कि हाँ, हम तुम्हारी गुहार सुनेंगे, आपकी याचिका पर गौर किया जाएगा। 4 हफ्ते में आप यहाँ पर आइए और इसकी सुनवाई की जाएगी, और ये मई में अब इसकी सुनवाई होगी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से हिमाचल विधायक थे 6 जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था, उनको एक झटका मिला है, क्योंकि वो स्टे लगवाना चाहते थे स्पीकर ने जो उन्हें अयोग्य ठहराया था उस फैसले पर, तो स्टे नहीं मिला। साथ ही साथ कोर्ट में ये भी कहा गया कि इस मामले की जल्दी सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि 7 तारीख से इलेक्शन की डेट वो भी शुरू हो सकती है, नाम भरने की तारीख भी शुरू हो सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि एक बार जब हम नोटिस जारी कर देंगे तो इलेक्शन को थोड़ा टाला जा सकता है। तो अब कोर्ट इस मामले में, कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया विधानसभा स्पीकर को और विधानसभा सचिवालय को, नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। 4 हफ्ते में उन्हें जवाब देना है। इसके बाद मई के दूसरे हफ्ते में कोर्ट ने इसे लिस्ट करने को कहा है। तो एक तरह से किसी तरह की फौरी राहत नहीं मिली इन विधायकों को, इनको, पूर्व विधायकों को, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से स्पीकर के फैसले पर स्टे लग जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम स्टे नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट इनकी याचिका सुनने को तैयार हो गया। मई के दूसरे हफ्ते में जब विधानसभा स्पीकर और बाकी लोगों की तरफ से जवाब आ जाएगा, उसके बाद मई के दूसरे हफ्ते में अब इस याचिका की सुनवाई होगी।